हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत। इंडियन क्लासिकल वोकल लेसन के सीरीज में आप सबका स्वागत है। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि ये अलंकार के ऊपर वीडियो है। एक्चुअली ये वीडियो जो पिछले जो वीडियो था मेरा अलंकार के ऊपर, उसी का कंटिन्यूशन है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो अलंकार है उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, गाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। पहले मैं गाऊंगा और फिर आप मुझे फॉलो करें। यहाँ पे जो स्केल है वो सी शार्प है। पहले थोड़ा ओम गा लेंगे। ओ पहले इसको लिख लें, वीडियो को पॉज करके जो नोट्स हैं उसको लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो प्रैक्टिस करने में। अभी इसी को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, देखते हैं कैसा। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा आ सागा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा साधा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा आ आ आ आ आ आ आ। इस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करें। अभी चलेंगे नेक्स्ट जो अलंकार है उस पे। कैसा है ये? सारे सारे गा रे गा रे गा मा गा मा गा मा पा धा पा धा पा धा नी सा नी धा नी धा नी धा पा धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा मा गा रे गा रे गा रे सा। फिर से मैं कहूंगा, आप इसको पहले लिख ले वीडियो को पॉज करके। अभी इसी को आकार से गाएंगे। आ, 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 सा
नी सा नी दा नी धा नी धा पा मा पा मा पा मा गा रे गा रे गा रे सा। आकार से आ इसको प्रैक्टिस करें। इसके आगे का जो मेरा वीडियो रहेगा वो भी अलंकार के ऊपर ही रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे ये, मैं आपसे थोड़ा सा पेशेंस की उम्मीद करूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे सब सही हो जाता है। तो मैं इतना आपसे उम्मीद करूँगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट राग पे चला जाता तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आता। तो इतना थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आगे राग भी शुरू होगा। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट्स करके बताइए मुझे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर और लाइक भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।